हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे डिराइव क्लास को डिफाइन करेंगे, उसका डिक्लेरेशन कैसे होगा। तो उसका सिंटैक्स है क्लास, उसके बाद डिराइव क्लास का नेम, फिर विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड मतलब वही पब्लिक है या प्राइवेट है या फिर प्रोटेक्टेड है। उसके बाद बेस क्लास नेम जिससे वो डिराइव हो रहा है, और वहाँ पे उसका बॉडी ऑफ द डिराइव क्लास, क्योंकि ये डिफिनेशन है तो उसका बॉडी तो रहना ही पड़ेगा। खाली डिक्लेरेशन होता है तो अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग डिराइव क्लास को क्या करते हैं, बेस क्लास को डिफाइन करते हैं। वे डायरेक्टली डिराइव क्लास को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन अलग अलग नहीं होते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है क्लास ए बी सी। ए बी सी जो है वो डिराइव क्लास का नेम है, फिर विजिबिलिटी मोड में प्राइवेट है, ये है बेस क्लास का नेम। इसका मतलब क्लास एक्स वाई जेड से ए बी सी डिराइव हुआ है, और फिर उसके बॉडी में मेंबर्स ऑफ ए बी सी रहेंगे। मेंबर्स मतलब वही डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है, इसीलिए प्राइवेट डेरिवेशन है। इस एग्जाम्पल में सेम है सिंटैक्स, बट यहाँ पे पब्लिक है तो पब्लिक डेरिवेशन, एंड इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं प्राइवेट पब्लिक कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड बस है। तो ये प्राइवेट बाय डिफॉल्ट हुआ, क्योंकि हमारा एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये प्राइवेट बाय डिफॉल्ट है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी। तो व्हेन अ बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिटेड बाय अ डिराइव्ड क्लास, पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम्स प्राइवेट मेंबर। तो जब एक डिराइव क्लास को हम लोग बेस क्लास से प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं, प्राइवेटली इनहेरिट मतलब जहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट रहता है, तो पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास, बेस क्लास के जितने पब्लिक मेंबर हैं वो प्राइवेट हो जाते हैं। देन पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द मेंबर फंक्शन ऑफ द डिराइव क्लास। तो डिराइव क्लास के जो मेंबर फंक्शन होंगे वही खाली पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। Then public member of a class can be accessed by its own object using dot operator। ये तो obvious है कि एक class का जो भी member है वो अपने class का object के द्वारा access हो पाएगा, उसके साथ साथ derived class का जो भी member function होगा उसके द्वारा भी access हो पाएगा। And public member of the base class becomes public member of the derived class in public inheritance। तो प्राइवेट में क्या हुआ, प्राइवेट में पब्लिक भी प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब बेस क्लास का पब्लिक डेटा मेंबर्स भी प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया इन प्राइवेट डेरिवेशन। लेकिन पब्लिक डेरिवेशन में क्या हुआ, पब्लिक पार्ट ऑफ द बेस क्लास विल बी सेम एज पब्लिक पार्ट इन द डिराइव क्लास। तो पब्लिकली डिराइव कर रहे हैं तो वो पब्लिक ही रहेगा, प्राइवेटली डिराइव कर रहे हैं तो चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Then no member of base class is accessible to the object of the derived class। तो हम लोग जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक object है base class का, तो base class का object obviously उसके members को access कर सकता है using the dot operator, मतलब object name dot operator फिर function या फिर variable name सेमीकॉलन, तो यही होता है एक्सेस करने का तरीका। लेकिन derived class का जो object है वो base class के कोई भी member को access नहीं कर सकते हैं, जबकि डिराइव्ड बेस क्लास ही हुआ है लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। देन प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड एंड प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल नेवर बिकम द मेंबर ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि बेस क्लास से अगर आप मतलब मान लीजिए बेस क्लास के कुछ पब्लिक मेंबर हैं और बेस क्लास से आप डिराइव क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं, तो वो जो पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास है वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन आप पब्लिकली डिराइव कर रहे हैं तो वो पब्लिक का पब्लिक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट बोला है कि प्राइवेट मेंबर आर नेवर इनहेरिटेड, मतलब प्राइवेट मेंबर्स जो भी हैं एक बेस क्लास में उनको हम डिराइव क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे।